तो यार मैं पहुंचा हुआ हूँ चीमा डेयरी फार्म जो करनाल हरियाणा के अंदर है। और इस फार्म की बात की जाए ना तो मैं लगभग 2 से 2.5 साल पहले इस फार्म पे आया हुआ था। और ये फार्म आज लगभग 6 महीना पहले इस फार्म को बनाया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार फार्म इन्होंने बना दिया है आज के फार्मिंग करने के हिसाब से, कॉमर्शियल फार्म के हिसाब से। हमने जो पहले जब आए थे 2-2.5 साल पहले, मैं कुछ क्लिप है हमारे चैनल पर जो वो आप देखिए। ये फार्म बनाकर लगभग 6 महीने कंप्लीट हो गए, 6 से 7 महीने, जून में या जुलाई में जो भी हो, लगभग 6 महीने यहाँ पे गाय को आकर हुआ है। और इस फार्म पे उस टाइम जब हम थे तो लगभग 10 से 10 पशु होंगे। और हमने मिल्क रिकॉर्ड भी यहाँ पे एक गाय का किया था, काफ़ी बढ़िया गाय थी। और आज काफ़ी बढ़िया कॉमर्शियल टाइप का फार्म बनाया है, लूज फार्मिंग की है, काफ़ी शानदार फार्म बनाया है। मैं बैक कमरा कर लूँ, उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे हैं तो, फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जानकारी, बढ़िया बढ़िया जानकारी नहीं मिल पाएगी, ये इसके लिए ज़रूरी होगा। तो फार्म की बात कर रहे थे हम, मैं फार्म के ऑनर से मिलवाऊंगा। उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार, हर फार्म पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, जैसे कि बारिश का मौसम में तो काफ़ी फार्मर परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं इन्होंने मिट्टी का एरिया, ये जो एरिया है ना 65 फीट है, यहाँ से आप जहाँ भैंस बंदी भी देख पा रहे हैं वहाँ से लेके वो मिट्टी के एरिए तक 65 फीट है, जिसमें 35 फीट में इन्होंने ये सीमेंटेड बोल सकते हो या ईंट बोल सकते हो इन्होंने लगा रखा है। बाकी का एरिया लगभग 30 फीट जो मिट्टी का है, मिट्टी का एरिया बारिश के मौसम के वजह से इन्होंने बंद कर रखा है। ये काफ़ी बढ़िया है, बारिश में हमारे फार्म के जैसा इनके फार्म पे कीचड़ नहीं देखने मिल रहा है। बारिश के वजह से यहाँ पे छींटे आ रहे हैं, वो इस पत्थर यानी कि सीमेंट होने की वजह से कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अब हम लूज़ फार्मिंग की बात कर लें तो मेहनत कम लगता है, जैसे यहाँ पे फार्म में सभी गाय बैठी हुई है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। बॉयल सिस्टम पानी का आप देख पा रहे हैं, पानी इसमें भर गया, फिर ये चालू कर देंगे तो पानी आ जाएगा और इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये चालू कर दिए हम, पानी आ गया, नीचे से कचरा पानी यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब पानी जब ख़राब हो गया तो गंदा है, साफ़ करना है तो निकाल सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, पर डे आप पानी चेंज भी कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग जो जैसा आप मर्जी। हाइट की बात की जाए फार्म की तो लगभग, तो यहाँ वहाँ देख पा रहे हैं वो 16 फीट है और 2 फीट का ढाल दिया गया है, 14 फीट का, 16x14 का फार्म। और फार्म के चारों तरफ आप देख पा रहे हैं धान की खेती की गई है और चारों तरफ से हवा ही हवा है, मतलब किसी तरह का उमस होने की चांसेस कम है। और आज तो मौसम काफ़ी बढ़िया होने की वजह से कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ, हर चीज़ को आप गौर से देखें। वहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 15 फीट है और इसके कारण जो भी वहाँ का पानी का कचरा गोबर जो भी है यहाँ साइड किए हुए हैं उन्होंने, और इस तरह से पानी दोनों तरफ का इस पर आ जाएगा और पानी निकल जाएगा। कुछ हम लोग भी इस तरह का फार्म पे अपना चेंजिंग करने का सोचेंगे। कैसा फार्म चल रहा है, क्या क्या खिला रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो भाई साहब हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका? गुरनाम सिंह। फार्म का एड्रेस? चीमा डेयरी फार्म, गंजोगढ़ी गांव पड़ता है जी। गंजोगढ़ी ओके, करनाल हरियाणा। हमने 2 साल लगभग, हम लोगों को आके 2 साल हो गया होगा इस फार्म पे, है ना समथिंग यहाँ पे? हाँ मुझे, आपको 2 साल पहले आए थे? 2 साल पहले आया था। लगभग बांध के आप गायों को रखते उस टाइम पे? 6 गायें बड़ी थी, बहुत समस्या थी, बड़ी गायें तो वहाँ पे टिकती नहीं थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ओके, तो उधर हमने 4 साल रखी हैं गायें, यहाँ पर आई है फार्म तो अभी 2 महीने पहले आए हैं। 2 ही महीने हुए यहाँ? 2-2.5 महीने हुए। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? एक तो मेहनत की बात की जाए, मेहनत की बात जाए तो मेहनत तो आधी रह गई, आधे से भी कम रह गई है, मैं कहूँगा अभी अब तो जीरो है। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल जीरो है क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या तो गर्मी की थी। ओके, हम तो गाय का पानी ही पूरा नहीं कर सकते, जो सबसे फ्री चीज़ है, पानी ही पूरा नहीं कर सकते। 10 बार भी पिलाते थे ना तो 11वीं बार भी गाय को पानी चाहिए। अब यहाँ पर गायें 5 मिनट खाती है, 2 मिनट आके फिर पानी पी लेती है, फिर जाती है फिर पानी पीती है, तो हम 10 से 15 बार काउंट करते हैं कि इतना पानी पी रही है, इतना पानी कौन पिलाएगा। हम 5 बार पिलाते थे, उससे मस्टाइटिस की दिक्कत, कम खा रही थी, दूध भी कम, तो हर रोज़ की समस्या थी। और इतनी मेहनत तो बंदा भाग ही जाए भी, छोड़ो यार क्या काम करना है, अब तो पता ही नहीं है, अब तो बस इसको भरना है। दिन में अब 2 बार भरते हैं इनको, 2 बार मोटर चलाई भर दिया, उसके बाद अपने काम करना चाहिए। तो लूज फार्मिंग की? हाँ, अब ऐसा समझ गाय तो लूज चाहिए जी।
जो नुकसान मैंने खाया है ना बांध के, बहुत ज्यादा बहुत समस्याएं थी। ये तो मैं शुरू हो जाऊंगा तो बोलते ही रहूंगा। अगर गाय को बांध के रखना है, अगर आप कहते हो जी गाय 35 से 40 लीटर दूध दे तो बांधेगे, तो फिर तो एक साल भी पूरा नहीं करेगी, नहीं कर पाएगी। मेरे पास ऐसे स्ट्रेस भी रहती है, दूध खुल के दूध नहीं देगी, खुल के पचाएगी नहीं, और गर्मी अलग से चाहे पंखा लगा लो, जब तक गाय खा पी के चलेगी घूमेगी नहीं तब तक उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, तब तक समस्या बनी रहेगी। आपको टोटल कितने दिन हो गए होंगे ये फार्मिंग करके? 4 साल से ऊपर हो गए हैं। 4 साल, लगभग 3 साल आपने बांध कर रखा अपनी गायों को? 3 से 3.5 साल, 4.5 साल हमने बांध के रखा है। अब 2-2.5 महीने से इधर आए हैं, 2-2.5-3 महीने हो गए। फार्मिंग का काम कैसा लगता है? देखो जी, अब रिजल्ट आएगा, ये बात मैं आपको खुल के बताऊंगा नेक्स्ट ईयर। क्यों? उसकी वजह है, अभी मेरे पास सारी गायें प्रेग्नेंट है, अभी ये सारी प्रेग्नेंट है, उधर भी प्रेग्नेंट है, बछड़ियां भी प्रेग्नेंट है, भैंस भी प्रेग्नेंट है। अभी दूध पे सिर्फ 2-3 गायें हैं जो ये इस टाइम अगली लोकेशन में आएंगी, जो खाएंगी, जो पिएंगी, जो दूध देंगी, उसका रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट ईयर बताऊंगा। यही अगले साल जब वीडियो बनाने आओगे तो आपको ये मेरा जवाब तैयार होगा, और मैं अभी से ही इस कॉन्फिडेंस में हूँ कि मुझे रिजल्ट मिलेगा, खुलेगा। आपका जो पीछे 3.5 साल गया वो कैसा गया? देखो वहाँ पे तो सिर पे खड़े होने पड़ता था, वहाँ पे आप मेहनत ज्यादा था, वो पांच पार मैंने गायें नहलाई हैं। मेहनत को छोड़ दें, इनकम की बात की जाए, इनकम वहाँ भी थी लेकिन वहाँ पर समस्याएं ज्यादा थी। से इनकम नहीं था क्या मेरा? हाँ, मेहनत तो जितनी थी ना, अगर मैं उतनी मेहनत यहाँ पे करूंगा ना तो बहुत आगे चला जाएंगे हम। वहाँ पर मेरा दवाइयों का खर्चा 15 से 20 हज़ार का एक महीने में हो जाता था, क्यों मस्टाइटिस नहीं रुकती थी, गाय बीमार बहुत ज्यादा होती थी, मस्टाइटिस ज्यादा होने का प्रॉब्लम वहाँ बांध के रखने में। हाँ, वहाँ से जब से यहाँ आए हैं किसी गाय को मस्टाइटिस नहीं है, किसी गाय को मस्टाइटिस नहीं है इस गर्मी में, इस हुमस में। ये देख लो यहाँ पे अभी तो बारिश देख पा रहा हूँ, रात से मैं आया हूँ, बारिश ही बारिश हो रही है। कितने दिन से बारिश हो रही है? ये तो आज ही हुई है। कितने दिन बाद? कम से कम 15 दिन बाद। अच्छा, 15 दिन बाद आज बारिश हो रही है। तो जो बीच का टाइम गया है गर्मी का पता भी नहीं था, गर्मी ज्यादा एहसास नहीं होती थी, बरसात भी नहीं थी, एहसास नहीं होती थी। जैसे फैन ना, ना। अभी तक फैन आपके फार्म पे नहीं लगा है, फोकर नहीं पड़ी, अभी तक इधर से भी खुला उधर से भी खुला है, तो चारों तरफ से। फिर भी रात के टाइम थोड़ा उमस हो रहा होगा। रात के टाइम पे गर्मी नहीं थी, रात के टाइम पे मच्छर तंग करता था, मच्छर होते थे। अगर जाली लगाएंगे तो हुमस और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हमने जाली नहीं लगाई। थोड़ा ठीक है, दुआ वगैरह कर दो, नेक्स्ट ईयर कर क्या करेंगे, अभी जो अगली गर्मियां आएंगी फोकर लगा देंगे, फोकर होगा तो फोकर से थोड़ा सा कम, और फैन होगा तो उससे जो है मच्छर कम होगा और आगे गर्मी भी कम लगेगी। अभी फार्म से दूध कितना निकल रहा है? मैंने पहले ही बताया कि अभी सिर्फ मात्र 3 गाय, 2 गायें जो हैं खुल के दूध दे रही हैं, 3 प्रेग्नेंट हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास 45 से 50 लीटर दूध है सिर्फ 2 गायें का। अच्छा। क्योंकि दूसरी तो अभी मैं ड्राइव पे चली जाएंगी और 10-15 दिन, तो उनका तो सिर्फ नाम मात्र का रह गया, तो सिर्फ 2 गायें का दूध है 45 से 55, इससे ज्यादा दूध नहीं है इस टाइम। ओके, तो खिलाने में खर्चा काफी ज्यादा आ रहा होगा। देखो साइलेज है, खुद का साइलेज है, हाँ खुद का साइलेज है, इस करके थोड़ा कम महसूस हो रहा है। ओके, बाकी अगर वैसे देखा जाए तो इस टाइम पे दूध है नहीं तो जेब से लग रहा है, क्योंकि ये सारी गायें जो हैं ये ट्रांजिशन फीड खा रही हैं, ठीक है, और खा भी ज्यादा रही हैं, खाने वाले ज्यादा हैं, दूध वाले कम है, तो खर्चा नहीं पूरा हो रहा है इस टाइम पे। कहाँ जा रहा है? नेस्ले, नेस्ले नेस्ले कंपनी में, नेस्ले डेयरी जो है, वो आती है, उनकी गाड़ी आती है, सुबह शाम आते हैं तो यहीं से ले जाते हैं। क्या फैट इसने खा जा रहा होगा? फैट की रेशो रहती है जी 3.9 से लेके 4.3 तक, 4.4 भी होता है, 3.9 से प्लस ही रहता है, 3.9 से प्लस रहती है, इससे कभी कभी फैट वहीं चेक होता है या आपको मशीन दिया गया है? यहाँ से एक तो मीटर चेक होता है, एक उसका टेम्परेचर, तो 26-25 मीटर आता है, 31-32 वो टेम्परेचर रहता है। ओके, ये पिछले काफी दिनों का रेट क्या मिल जा रहा है इस टाइम? 34 तो प्लस ही रहता है, 34 रुपीज़ प्लस है, और कभी कभी तो 35 भी होता है, और जो अगर कम देखें तो वो तो डिपेंड करता है जी, अगर फैट कम आएगी तो। और आपके पास तो मात्र 2 गाय जो आपने बताया कि मिल्किंग पे है और 1 ड्राई पे है, यानी 2 गाय कितने दिन पहले बच्चा दी होगी? ये बछड़ी है 6.5 से 7 महीने की बछड़ी है, इसी की माँ, पूछने का मकसद ये था ना, इसी की माँ दूध पे चल रही है। अच्छा, एक इसकी है, एक हो रहा है, उसका बच्चा मर गया था। अच्छा, ये 2 गायें, मतलब पूछने का मकसद ये था कि ताजी भी आती है तो फैट कम होता है क्या पहले? शुरू में होता है। कितना? शुरू में वो तो मिक्स हो जाता है तो पता ही नहीं चलता, अगर हम वैसे कहें तो 3.6-3.7, तो जैसे जैसे वो ब्याने के बाद जो है SNF भी माने रखता है क्या? बिल्कुल, जो नेस्ले का है इनका तो फैट और SNF उसके अकॉर्डिंग रेट होता है, इनका जो
प्राइस लिस्ट है उसके ऊपर फॉर्मूला बना हुआ है, तो इधर से जैसे SNF कितना होगा, 3080 का फैट SNF लेती है शायद कोई भी डेयरी, 3.05? नहीं, ये ऐसा तो नहीं है कि फैट कम आएगी तो दूध नहीं लेंगे, उतना रेट कम से कम आती नहीं ना। हाँ, कई बार आ भी जाती है। अच्छा, तो दूध लेते हैं। गाय को थोड़ी रोक सकते हैं, गाय अगर पानी ज़्यादा पिएगी तो फैट कम हो जाएगी। मान लो मिल्किंग से पहले गाय ने पानी पी लिया, 10-15 मिनट पहले पी लिया, तो उसका भी असर होगा, ये तो एक्सपीरियंस की बातें हैं। फैट कम हो जाएगा? हाँ, कम होगा। पानी पहले पी लेगा अगर आधा घंटा पहले गाय ने पानी पी लिया और पानी पी लिया रज के, पूरा पी लिया, मान लो कि 10-15-20 लीटर पी लेती है, तो उसका भी इफेक्ट फैट पे जाता है, ये हमने एक्सपीरियंस देखा हुआ है। दूध बढ़ता है पानी पीने से? दूध तो चाहे ना बढ़े, इतना थोड़ी है, फैट पी जाती है। जब हमने गाय बांधी हुई थी तब ये चीज एक्सपीरियंस में आई थी, तो फिर हमने क्या किया, अभी ठीक है उसको बांधे रखो, पहले दूध निकालो फिर पानी पिलाओ। तो ये किसी को ये सामने आए ना आए, हमारे सामने ये चीज आई हुई है। मतलब ये है ना कि हमारे एरिया के मुताबिक आपने जैसे बोला कि मेरा 34-35 रुपए रेट मिल रहा है, एक मिनिमम रेट कितना, कम से कम कितना आया है आपका? 31 भी आता है, 30 भी आता है, 30 प्लस, इससे मेरा तो प्लस ही रहता है 30 प्लस। कभी भी आपके 3-4 साल के इक्विटी? एक दो बार ऐसा हुआ है, वो कई बार फिर नेस्ले वाले भी तो गड़बड़ करते हैं, वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, हम थोड़ी साथ में चलते हैं। नेस्ले वाला गड़बड़ कर जाए गाड़ी में, गाड़ी वाला कर जाए, मैं गाड़ी वाले के साथ नहीं जाता बिल्कुल, कोई नहीं जाएगा, कोई फार्मर के पास टाइम कहाँ है, और उसके ऊपर पानी डाल दे, तो कितना कम आता होगा? अब कई बार, एक बार तो 21 रुपीज आया था, मेरे पास अभी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 21 रुपीज मेरे को पर लीटर मिला। और कई बार क्या होता है, अच्छा एक और चीज है, नेस्ले वालों की समस्या तो वैसे जेन्युइन है, अगर किसी ने एंटीबायोटिक लगा दिया तो वो उस दिन रेट ही नहीं देते, वो उस दिन दूध बाहर भेजते हैं। अगर हम फैट की बात करें तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता, 3-4 फैट का फर्क आता है, ये समस्या हमारी है। और मैंने अभी शुरू नहीं किया, इस समस्या का हल ये निकाला है डॉक्टर से बात करके कि अपनी फैट मशीन रखो, यहीं से फैट चेक करवाओ, यहीं से आप उसका टेम्परेचर और मीटर चेक करो और उसको साथ में लिखो, साइन कर दो, ताकि ना ड्राइवर और ना ही कलेक्शन सेंटर वाला उसको ना, लेकिन वो मशीन को मानेगा नेशनल वाला तब। वो बात मैंने डॉक्टर से पहले बोल दी है, यहाँ पर मैं खर्चा कर दूंगा 4-5 हज़ार, वो माने नहीं कि आपकी मशीन खराब है, उनको मानना पड़ेगा। तो ये इस समस्या का हल हमने ये निकाला है, जब ये गाय दूध पे आएंगी तब दूध ज्यादा हो जाएगा, तो तब ये चीज मुझे प्रैक्टिकल में लानी है। आपके यहाँ आपने बताया 35 रुपए दूध का रेट मिल रहा है, काफी बढ़िया रेट है जो कि एक फार्मर को मिलना चाहिए इस महंगाई के ज़माने में। हमारे यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी कभी कभी डेयरी में भेजता हूँ, बराबर तो जाता ही रहता है, 26 रुपये से लेके 30 रुपये के अंदर अंदर बहुत कम है, पता नहीं क्यों, इसमें हमने बहुत सारे बार कंप्लेंट, फीड का रेट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, फीड का रेट अगर आप कम से कम खिलाओगे तो 25 रुपये खिलाओगे, 25 रुपये तो कुछ भी नहीं है, अगर हम 32-33 पे चली गई है, 34 पे 35 पे 36 पे पर केजी, तो अगर वैसे दूध भी बढ़ेगा तो तब मजा आएगा ना, तो अगर 25-26 रुपये दूध बेचना है तो फिर फायदा ही नहीं है इस काम का। बताओ क्या पता उनके मशीन में क्या है, हमारे पास भी HF है, आपके पास तो और हाई मीटर है। सीधी बात करें तो बेईमानी है, बेईमानी है ना। आपका कैसा मशीन है भाई, कि हमारी HF जो 20 लीटर के अंदर अंदर कर रही है उसका फैट 3-5 के अंदर आ रहा है, SNF 80 का आ रहा है, उसका रेट आप 26-27 रुपये दे रहे हो, जो कि जो आप खिला रहे हो, फीड की बात करें या फिर फीड तो आप किसी कंपनी डीहूस का खिला रहे हो, हाँ, वो और हमारा काउ मिक्स बन रहा है। एक्चुअली हमारे एरिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो फीड नहीं मिलती, जैसा आप साइलेज दे रहे हो वैसा हम भी साइलेज दे रहे हैं, उसका मैं बताता हूँ आपको जी, वो खिलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फैट कैसे आएगी, वो बताता हूँ मैं आपको। बताइए, वो साइलेज की क्वालिटी देखो ना, ड्राई मैटर पूरा करो, सबसे पहले आता है ड्राई मैटर, साइलेज, ठीक है, उसके ऊपर, उसके बाद आगे फीड की बात। अगर आप जो साइलेज डाल रहे हो उसके अंदर पूरी एनर्जी है तो अपने आप गाय की भी एनर्जी बढ़ेगी तो फैट भी आएगी, फीड अच्छी डालोगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। मेरे पास तो समस्या है नहीं, मैंने कभी भी इस चीज को इशू नहीं बनाया कि फैट कम आ रही है, कभी वो आ रहा है नहीं, हमारे कभी कभार होता है, तो कभी कभार बोलना है सर, सबके साथ तो यही प्रॉब्लम है, 26-28 रुपये तो किसी के ऊपर मिलता ही नहीं, भैंसों का मिलता है 35-32 रुपये ये रेट है, तो छोड़िए ये तो, कब पता नहीं कब सुधरेगा ये, इसका समस्या का समाधान सिर्फ वो सुधा या जो भी कंपनियां हैं हमारे बिहार UP के वही निकाल सकते,
सकते हैं और कहीं कहीं तो 22-23 रुपए गायों का रेट मिलता है। सर आप हमें बताएं कि हमने जब पिछले बार आया था काफी छोटी छोटी गाय थी, ब्रीड में कम था, आपने कितनी गाय 2-2.5 साल में खरीद ली? लगभग बोलने की जरूरत है नहीं, आपके सामने काफी शानदार है। रहने दीजिए, बैठे रहने दीजिए, समय हम लोग ऐसे समय में आए हैं जो गाय बैठी हुई है, बैठे हुए को उठाना मैं भी नहीं समझता बढ़िया। इसको उठा लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, इसको जिसको कहोगे एक गाय आपको उठा के दिखाता हूँ, चलो ये नहीं उठ रही है तो उसको उठा लेता हूँ। क्या वेट होगा लगभग आपके सामने है 9 क्विंटल तो प्लस मैं कहता हूँ ना। देखो रेस्ट पे है, रहने दीजिए, उठने में उनको दिक्कत है कि नहीं नहीं भाई उठना, खड़े हो खड़े जा। आपके हाइट तक जा रही है, तो ऊपर है, आपके ऊपर रहे, मेरे से तो ऊपर है, आपके सामने है। फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन है ये सेकंड भी आएगी। अब अगर मैं बात करूं उधर से आप वीडियो बनाते हो तो इधर से मैं नहीं दिख पा रहा हूं, ये देख लो उधर, इधर से नहीं दिख पा रहे हो। हां आप उधर से वीडियो बना रहे हो तो नहीं दिख पा रहे हो, सही तो अगर ये नहीं है लगभग 5 फीट हाइट होगा। हाँ मैंने पहले उसको उठाना था तो इसको उठा दिया तो चलो, क्योंकि ये कितना दूध पे आपके फार्म पे कर चुकी है? 37 ये 37 लीटर। हाँ इसने फर्स्ट में 37 दिया है और ये अब सेकंड बार भी आएगी, ये रह गया इसका कोई 1.5 महीना। अच्छा। 1 महीना 15 से 20 दिन रह गए हैं इसके। काफी बढ़िया, ये सब खरीद कर आया है? ये मेरे पास आया 2 साल से, 1.5 साल से। रहने दीजिए मत उठाइए, इसका भी तो काफी बढ़िया ब्रीड में सभी गाय देख रहे हैं आप। फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन है सर ये? हाँ ये फर्स्ट, ये 2 दांत है। ओके ये 2 दांत है, ये इसको डी उसकी फीड डाल के खा भाई ये स्ट्रक्चर तैयार किया मैंने। ओके कौन सा सीमेंट का है ये? ये स्ट्राइकर की है। अच्छा स्ट्राइकर ABS। ये स्ट्राइकर है। कितने दिन की प्रेग्नेंट है ये? है 7 मंथ प्लस है, कुछ दिन ऊपर है। फर्स्ट बार भी आएगी ना? फर्स्ट बार, 2 दांत है ये 2 दांत है और इसके बाद उसका नंबर है वो देखिए। ये बछड़ी खरीद कर लाए थे आप? ये घर की बछड़ी है, ये घर की बछड़ी है, ये देखिए आप। उम्र क्या होगा इसका? उम्र आपको दिखा दूंगा, लिखा हुआ है 24 महीने, 24-25 महीने मेरे हिसाब से। अच्छा मतलब लगभग 15 महीने में आपने प्रेग्नेंट किया होगा। ये 6 महीने की बछड़ी है, ये मात्र 6 महीने की है, वर्ल्ड वाइड की। कितने का सीमेंट था ये? ये आया था 6000 का, 6000 की 2 स्ट्रा लगी हुई है इसकी माँ, यानी 12000 का स्ट्रो लग गया आपका? नहीं 3000 की एक स्ट्रो, तो 6000 की 2 क्विंटल 15 किलो की है और 6.5 महीने की है इस टाइम, 6 से 6.5 महीने के बीच में है। ये वर्ल्ड वाइड की ब्रांसन है और इसकी हाइट उससे डिस्चार्ज कर रही है? डिस्चार्ज आ रहा है? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं है, अभी तो कम कहाँ शुरू होगा। 4 महीने पहले दूध पिलाया है, उसके बाद स्टार्टर, फिर जूनियर, अब ये सीनियर खा रही है और ये बछड़ी उससे ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। इसको ऊपर निकालना है मैंने, अभी इसकी पूरी डोज चल रही है। दोस्तों ये है फार्म का हाल, प्रेग्नेंट का है। अगर हम बात करें ना तो हर फार्मर जो भी पंजाब हरियाणा यानी जहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा होती है वो फार्मर अक्सर यही करते हैं कि उनकी अक्टूबर से ब्याह स्टार्ट होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे पास मात्र 2 से 3 गाय ऐसी है जो बच्चा दी है, बच्चा मतलब दूध में है ऐसा बोल सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 45 लीटर का दूध का दाम कितना चार्ज, लगभग 1500 से 2000 रुपये पर डे का आ रहा है और इतने को खिलाने में मैं समझता हूँ कि पर डे सर 3000 प्लस खा रही होगी सभी, 3000 प्लस की खा रही होगी खाना, इनका खर्चा जो है 4000 है। 4000? हाँ जी 4000 पर डे आ रहा होगा 1500 से 2000, 2.5 से 3000 आ रहा है, 2.5 से 3000 जेब से जा रहा है इस टाइम। तो कितने दिनों से जेब से जा रहा है? लगभग पिछले 4 महीने से 1500 रुपया लगभग मेरी जेब से जा रहा है इस टाइम पर डे का 45 हजार का घाटे में आ रहा हूँ इस टाइम पर मंथ 45000 घाटे में है आप ये? हाँ ये सारी सारों का है, ये सारों का, हाँ, सारों की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। जब नवंबर आएगा अक्टूबर से ब्याने लग जाएगी, सारे सब बराबर हो जाएंगे, सब पीक में आएगी तो लगभग हाँ। फिर बढ़िया बेनिफिट होगा। हाँ, मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ, सुनने वाली बात है। ये गाय मैं लाया था फर्स्ट टाइम पे जब थी ये, ओके उस टाइम इसका दूध था सिर्फ 15-16 लीटर, तो मैंने इसको भी दी उसकी फीड डाली थी ब्राउन और टॉप, ओके इसको डाल के तो ये प्रेग्नेंट हुई थी ये बछड़ी,
जब ये थी एबीएस हंक का इसको लगा था, जब इसने ये दिया था, ये बछड़ी दी थी, तो इसका दूध चला गया था 37 लीटर पे, ठीक है। ये बछड़ी मतलब इससे मेरे हाथों से मेरे ये जन्म हुआ इसका, इसको मैंने 4 महीने दूध 2.5 से 3 लीटर, पहले पहले मैं 4 लीटर, फिर जैसे थोड़ा कम करता गया, उसके बाद इसको स्टार्टर फीड 3 महीने 4 लीटर वन टाइम, दोनों टाइम 3 लीटर, जब पहले 2 महीने है 3 लीटर सवेरे 3 लीटर शाम को, 6 लीटर दूध हो गया। उसके बाद 1-1 लीटर कम करता गया, तो 4 महीने जब हो गए थे, तो 4th महीने में इसको 1 लीटर सवेरे 1 लीटर शाम को था। ओके, उसके बाद इसने खाई है स्टार्टर फीड। ओके, स्टार्टर के बाद जूनियर सीनियर पूरी खुल के इस बछड़ी ने 14 महीने की 14-15 महीने की ये प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके 9 मंथ यानी कि 25-26 महीने में 26 मंथ में ये भी आ गई। ओके, 40 लीटर दूध दिया इसने फर्स्ट में। इसका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन खुद की बछड़ी है, मैंने वही यही बताना ये चाह रहा था, खुद की है ये बछड़ी, और इसने 40 लीटर दूध दिया हुआ है इसने। ये रिजल्ट मेरे को आएगा इससे भी, और इसके बाद उस बछड़ी से इससे भी प्लस आएगा, इन दोनों से बछड़ी तो वर्ल्ड वाइड का तो जाहिर सी बातें आएगा, इन दोनों से उसका रिजल्ट है जो उससे प्लस आएगा। की बात करें तो ये है जी, अब जिसको सबसे सस्ता वाला कौन सा है? सस्ता महंगा तो देखो इतना तो मैं कभी वो रखता ही नहीं, मतलब सभी बोरी का एक ही प्राइस है? नहीं, कुछ ये सीनियर है, ये थोड़ा 100-150 रुपए कम है। रिलैक्टो प्रो है, वो ट्रांजिशन फीड है। और ट्रांजिशन फीड का कितना प्राइस होगा उसका? 1700 के आसपास है, 1650-1700 के आसपास इसका, यानी 34 रुपए किलो हो गया। ये वाला दूध वाली का 12 मंटिल का ये शायद 31-32 रुपए किलो होगा, 1550 की बोरी। हाँ, और इसका इस बार का देखा नहीं है मैंने, 1750 ये भी होगा, 1700-1750 के जी। ये दूध वाली का? दूध वाली का, ये दोनों मिक्स करके डालते हैं, ये दोनों ब्राउन और ब्राउन और टॉप को मिक्स करते हैं, उसके बाद देते हैं दूध वाली को। वैसे अगर 40 लीटर आपने बताया कि एक बछड़ी ने 40 लीटर दूध निकाली, जैसे ये इसकी बात कर रहे थे ना, इसकी बात कर रहे हैं, तो कितना दाना कितना दे रहे थे आप? जब इसका 40 लीटर दूध था तो ये 12 से 13 किलो फीड खा रही थी, 6 सुबह 6 शाम। हाँ, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा साइलेज, इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई दाना वगैरह और कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा मैं डालता हूँ मीठा सोडा और टॉक्सिन बाइंडर। टॉक्सिन बाइंडर? हाँ जी, मीठा सोडा और टॉक्सिन बाइंडर डालता हूँ। टॉक्सिन बाइंडर किसका है? कैमिन? नहीं, कैमिन का नहीं है, इसका नाम यार मेरे को नहीं, भूल जाता है। ऐसे तो देते रहो जो कुछ मर्जी है, नहीं, मतलब दाना आप दे रहे हैं तो जैसे आपने बताया टॉक्सिन बाइंडर दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में, क्योंकि आपके फीड में भी टॉक्सिन बाइंडर डाला हुआ होगा। टॉक्सिन बाइंडर उसमें भी है, लेकिन ये मैं टॉप अप करता हूँ ताकि इसी तरह आप फैट भी देते हैं क्या? बाईपास फैट? नहीं, इसको फैट नहीं देते, एक्स्ट्रा नहीं देते। अब आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला 40 लीटर मिल्क निकाल रही है, कितने दिन पहले इसने कार्विंग किया है? ये 6 महीने की है, 6 महीने पहले बच्चा दिए। 6 महीने पहले बच्चा दिए इस गर्मी में, ये इसका बच्चा मर गया था इसका। दोबारा प्रेग्नेंट हुई है? है, दोबारा प्रेग्नेंट है। कितने दिन की है? डेढ़ से दो महीने की है, यानी कंफर्म हो जाएगी। 4 महीना पहले इसको आपने सीमेन लगवाया है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी कीमती समय दी, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, लगभग हमने पूरे फार्म के बारे में जानकारी दी। एक चीज हम भूल गए आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे आते हैं, मैं फार्म में जैसा कि लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ आपकी गाय बीमार हो, देखिए मैं किसी फार्मर के साथ इस तरह से बोलना नहीं चाह रहा कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन इस फार्म पे भी एक दिक्कत आई। इस बछड़ी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की बछड़ी है, यहाँ पे देख पा रहे, मैं उठा दूँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा। एक्चुअली इसने 7 से 7.5 महीने में बच्चा पहले दे दी, गिरा दी कह सकते हैं, और इसको गिरा कर लगभग 1 वीक हो रहा है, तो यहाँ पर देख पा रहे दोनों टाइम का सर ने बताया कि लगभग 6 से 7 लीटर दूध पे आ गई है। तो ये दिक्कत है ना, ये गर्मी के कारण आप कह सकते हो, या किसी भी फार्म कर रहे हो, कच्चा बिजनेस है भैया, किसी के साथ भी कोई भी किसी तरह का भी दिक्कत आ सकती है। कभी भी कोई दिक्कत जो आती है वो बोल कर नहीं आती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर 2 महीने बाद भी आती तो काफ़ी बढ़िया होता इनके लिए, और काफ़ी बढ़िया तैयार हुई होती। तो ये चीज़ हुई है, जो भी है फार्मर, आप उम्मीद करता हूँ इनका भी जो भी हालात है वो कुछ दिन में सही हो जाए। यहाँ पे देख पा रहे हैं और बछड़ियाँ यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 4 बछड़ी इधर तैयार हो रही है। और फार्म की बात की जाए तो फार्म काफ़ी शानदार इन्होंने बना रखा है, लगभग 25 लाख रुपए इन्होंने खर्च किया है। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।